आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ में करंसमैन और आज पहुंचे हैं रत्ताखेड़ा गांव के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे गुरु धन्ना भगत जी का मंदिर है और पूरी कमेटी यहां पर मौजूद है, भगत जन मौजूद हैं। तो उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आज ये इतना बड़ा जो प्रोग्राम किया गया है धन्ना भगत मंदिर के अंदर, किस अवसर पर ये किया गया, तो इनसे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि यहां पर रात को कीर्तन भी था और आज सुबह से ही लंगर भोजन भंडारे का आयोजन किया गया। क्या कारण है, तो आइए हमारे साथ और इन्हीं से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप देख सकते हैं गुरु धन्ना भगत जी की जो मूर्ति है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि नज़दीक जाकर दिखाएं, यहाँ पर रखी गई है और बहुत बड़ा यहाँ प्रोग्राम किया गया है। तो इनसे पूरी जानकारी लेंगे हमारे साथ जो यहाँ महंत जी हैं और भट्टा एसोसिएशन के जो प्रधान हैं वो भी हैं, कमेटी के प्रधान हैं वो भी हैं। तो सबसे पहले हम भट्टा एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उनसे ही बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे जो आज इतना बड़ा यहाँ प्रोग्राम किया गया है, धन्ना भगत जी की जो मूर्ति यहाँ पर रखी गई है, मंदिर है, इतना सुंदर मंदिर है, तो क्या बताएंगे जो प्रोग्राम किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज धन्ना भगत जी के 21वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं जी, जिसमें भंडारे भी बहुत अच्छा भंडारा भी लगाया जा रहा है जी। और पूरा गांव के लोगों ने पूरा सहयोग करके बड़ा भंडारे में बढ़ चढ़ करके सबने भाग लिया है जी। और 2022 में मतलब धन्ना भगत जी की मूर्ति स्थापना की थी जी। तो उस आज 21वां स्थापना दिवस पे भंडारे का बहुत तगड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो आपने आज आपने सुना कि 21वां भंडारा और स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, दूसरा जो मूर्ति स्थापना दिवस है वो मनाया जा रहा है, पूरी जानकारी जो ऐतिहासिक जानकारी है वो हम मंत्र जी से लेंगे कि कब से धन्ना जी की यहाँ पर मूर्ति स्थापना की गई है और कब से ये भंडारा मनाया जा रहा है, तो इनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर रियल न्यूज पे आपका स्वागत है। हम भी आपका स्वागत करते हैं। सर क्या बताएंगे जो इतना बड़ा ये आयोजन किया गया है, धन्ना भगत जी के जो मूर्ति यहाँ पर रखी गई है, मंदिर है और भंडारा शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे इसके बारे में? धन्ना भगत जी का जन्म आज से करीब 650 साल पहले राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट टोंक गाँव धुआं कला में हुआ था। ये एक जमींदार जाट परिवार से थे, तो सीधे बोले थे, इनका भक्ति में मन लगा तो भगवान ने साक्षात आगे इनको दर्शन दिए और जैसे हम बातें करते भगवान ऐसे इनसे बातें करते थे, इनकी श्रद्धा भक्ति। और इस गांव में लगातार तब आसपास के लोग जानते भी नहीं थे कि धन्ना जी हमारे गुरु हैं, तो 21 साल से लगातार भंडारा लगा रहे हैं और पिछले साल इन्होंने स्थापना मंदिर बनाया और स्थापना दिवस धन्ना जी की मेहरबानी से, धन्ना जी के आशीर्वाद से ये शुभ मौका मेरे को मिला। मैंने ही मूर्ति दे, मैं तो कौन देता, इनकी इच्छा हुई तो मेरे हाथ से ये दान भी होगी और स्थापना दिवस ही मेरे हाथ से हुआ जी। तो ये शायद हरियाणा में तीसरा या चौथा मंदिर ही होगा। अगर हम बात करें मंदिर की, आपने बताया तीसरा या चौथा, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने मंदिर हैं? पहला मंदिर है फतेहाबाद, सरसा, हिसार, इन तीन डिस्ट्रिक्ट में मेरे को जानकारी है, तो इनमें पहला ही मंदिर है धन्ना जी का जी। तो आपने बताया कि आपके शुभ करकमलों से ये मूर्ति दान भी हुई और स्थापित भी आपने की है, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका और कब आपने ये मूर्ति जो दान की थी? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह मेहरिया है और पिछले साल आज ही के दिन इनकी स्थापना हुई थी। ऐसा है कि जो जाट समाज के लोग बोले हैं, इन्होंने अपना कोई ध्यान नहीं दिया, जाट समाज में अब जागृति आई है, इनको पता है सब समाज के लोग अपना अपने गुरुओं का जन्मदिन मनाते हैं, तो ये रत्ताखेड़ा गांव नी से फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट सरसा जो पहल की है इसकी वजह से जागृति आई। तो अब मेरा अंदाज़ा है कि शायद हर गाँव में इनका मंदिर बनेगा और इनके पद चिन्हों में चलने के लिए इस जाट समाज को आगे के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। तो आपने देखा कि पहला ऐसा मंदिर है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का रत्ताखेड़ा गांव के अंदर, तो आप
खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो धन्ना जाट गुरु जी हुए हैं उनकी कितने के लोगों के अंदर जागृति है। तो अब धीरे धीरे जागृति आ रही है। पीछे भी धनोरी गांव के अंदर एक बहुत बड़ी जयंती मनाई गई थी, 3 दिन तक प्रोग्राम चला था, तो और भी हम जानकारी लेंगे। सर आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो ऐसे है जी, यहाँ 2022 में मूर्ति स्थापना हुई है गुरु जी की, और यहाँ धर्मशाला की व्यवस्था है जिसके अंदर की कोई भी व्यक्ति बाहर का आ जाए तो 150 आदमी कैसे भी रह सकते हैं, और लंगर हाल बनाया गया है और 350-400 साल पुराना यहाँ पर कुआ भी है, ठीक है, प्राचीन कुआ है जिसका सौंदर्यकरण भी किया जा रहा है अब, ठीक है। और कुछ दिन पहले हमारे सुहास बराला जी से जग बनाए गए थे जिसमें गुरु धन्ना भगत जी की जन्म तिथि बनाई गई थी, ठीक है, उसमें उपराष्ट्रपति अपने आए थे, और सारे अब उसके बाद समाज में थोड़ा सा हलचल सी हुई है कि हम भी आगे मंदिर बनाएं, और अब इसके बाद हमारे पड़ोसी गांव है डांगरा, यहां भी धर्मशाला का आयोजन कर रहे हैं गुरु धन्ना भगत जी के नाम पर, और यहां डिस्ट्रिक्ट में पहला मंदिर बना है। हम 21 साल से भंडारा लगा रहे हैं और 2022 में मई की 8 तारीख को बाबा जी की मूर्ति स्थापित हुई है, ठीक है, जो मूर्ति सुरेंद्र सिंह मैरिया भगत जी ने दान करी है जी, ठीक है। सो यही कहना चाहेंगे जी हम। तो यहाँ पर पूरा गांव जो मौजूद है, और मेरे माध्यम से सुरेंद्र जी से एक बात पूछना चाहूँगा, इन्होंने मूर्ति स्थापित की है, मूर्ति दान की है, बहुत बड़ी धर्मशाला भी यहाँ पर है, 100 से 150 लोग यहाँ पर रुक भी सकते हैं। एक और मैं इनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि सुरेंद्र जी, क्यों ना इतना बड़ा जो ये मंदिर बनाया गया है, धर्मशाला बनाई गई है, इतनी खुला प्रांगण भी है, क्यों ना गांव के बच्चों के लिए एक यहाँ पर धन्ना भगत जी के नाम से लाइब्रेरी बनाई जाए? अच्छी बात है, अभी नया नया मंदिर बना है, कमेटी के पास पैसे की और व्यवस्था बढ़ जाएगी तो ये भी हो जाएगा, व्यवस्था की है। क्या क्या मानते हैं आप इसको, अगर बच्चों के लिए बन जाए लाइब्रेरी, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर देश का भविष्य है, भविष्य सुधरेगा, देश सुधरेगा, क्या मानते हैं आप इसके लिए? मैं तो ये मानता हूँ लाइब्रेरी अच्छी चीज़ है जी। पर लाइब्रेरी जिन गांव में बनी उन गांव में बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्योंकि आजकल हमारे दिमाग में यूरोपियन कंट्री का भूत चढ़ा हुआ है, प्लस टू करते बाहर भागते हैं, ना ही हमारे संस्कारों में। अगर हमारे संस्कारों में होंगे तो हम लाइब्रेरी में पढ़ने बच्चे पढ़ेंगे, हमारे ना संस्कार नहीं है हमारे अभी जिस, अगर हम संस्कारों में बच्चों को डालें, जैसे इन्होंने धन्ना भगत जी का कार्य किया है इतना बड़ा, तो ये आज जो बच्चे जन्म लें छोटे हैं 10 साल 5, उनको पता लगेगा कि धन्ना जी हमारे कौन है। सबसे पहले संस्कार जरूरी है, संस्कार बाद संस्कृति जरूरी है, उसके बाद ही पढ़ाई का कदम पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। यही मानते हैं कि जब यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, धन्ना जी के यहाँ पर किताबें रखी जाएंगी, वो पढ़ेंगे बच्चे साथ साथ में, अपनी जो स्टडी के साथ साथ में उसके जानकारी लेंगे, और उससे इसके अंदर जागृति भी आएगी बच्चों। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये आएगी जागृति। ये तो हम अभी सोच रहे हैं धन्ना जी के साथ साथ जो भी वीर योद्धा हैं हमारे, मैं इस गांव से जो मौजूद आदमी कह के जा रहा हूँ भाई, जितने भी योद्धा हुए हैं और जहाँ तक मेरी होगी, मैं उनके इतिहास संग्रह करके इस गांव में लाइब्रेरी में तो वो सभी पुस्तकें मैं दूंगा। तो आप देख सकते हैं सुरेंद्र जी ने कहा है कि सारी पुस्तकें अगर लाइब्रेरी बनाई जाती है तो सभी पुस्तकें जो ऐतिहासिक पुस्तकें हैं वो ये खुद प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पर। और मैं अपील भी करूँगा जो मंदिर की कमेटी है उनसे कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं विदेश, इन्होंने कहा है कि विदेश में चले जाते हैं, मानते हैं कि वो विदेश की ओर अग्रसर हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन जो गरीब बच्चा है पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है उसके लिए यहाँ एक लाइब्रेरी की व्यवस्था ज़रूर की जाए। तो हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये गुरु धन्ना भगत मंदिर के पास ही जगह दे दी है लाइब्रेरी के लिए गांव ने, और लाइब्रेरी बननी स्टार्ट भी हो गई है, ठीक है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बननी स्टार्ट हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है इसका पैसा पहुंच रहे जी, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे मन में जो क्वेश्चन था इन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो लाइब्रेरी बनना शुरू हो चुकी है, और बच्चे हैं जो वो जो गरीब बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते, बाहर की जो फीस नहीं दे सकते वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आज ये बहुत बड़ा प्रोग्राम गाँव की तरफ से किया गया था। वीडियो को लगातार शेयर करते रहें और बने रहें रियल न्यूज हरियाणा के साथ। नई अपडेट के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय धन्ना जाट की।